वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए। क्यों सखी साजन, नहीं सखी ढोल। अमीर खुसरो की मुकरियां और पहेलियां भारतीय जनमानस में रची बसी हैं। हिंदी कृतियों के कारण ही उनको जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में गीत, दोहे, पहेलियां और मुकरियां विशेष उल्लेखनीय हैं। मित्रों, आज के इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनन्य भक्त एवं शिष्य अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में पटियाली कस्बे में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। पिता प्रकृति कला और काव्य के प्रेमी थे, जिसका असर अमीर खुसरो पर बचपन से ही पड़ा। युवा होने पर खुसरो ने एक दरबारी का जीवन चुना। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अपने दरबार में कवि, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में बेहद सम्मान दिया। राज दरबार एवं अन्य कलाकारों के सानिध्य में खुसरो की प्रतिभा दिन ब दिन निखरती गई। अमीर खुसरो फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। अरबी और संस्कृत का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, फल फूल और पशु पंक्षियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से भी बढ़कर माना है। भारतीय दर्शन को उन्होंने यूनान और रोम से भी श्रेष्ठ बताया है। उनके अनुसार इस देश के कोने कोने में शिक्षा और ज्ञान बिखरे पड़े हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की सराहना भी की है। उन्हें भारतीय होने का बहुत गर्व था। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ गुरतुल कलाम में लिखा है, मैं एक हिंदुस्तानी तुर्क हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दे सकता हूं। मैं तूतिये हिंद अर्थात हिंदुस्तान का तोता हूं। आप मुझसे हिंदी में प्रश्न करें ताकि मैं आपसे भली भांति बात कर सकूं। अमीर खुसरो उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ईरानी और भारतीय रागों के सम्मिश्रण की बात सोची। उन्होंने कई रागों की रचना भी की। इन रागों ने हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। गायन में नई पद्धति जिसका नाम ख्याल है, यह अमीर खुसरो की ही देन है। उन्होंने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा के संयोग से सितार नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृदंग को सुधार कर तबले का रूप दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य होने के कारण खुसरो पर सूफी संतों की मान्यताओं का विशेष प्रभाव था। भारत के साथ ही विदेशों के फारसी कवियों में भी उनको उपयुक्त स्थान मिला। उन्होंने ख्वाजा हजरत अमीर खुसरो के नाम से ख्याति प्राप्त की। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया के निधन के बाद अमीर खुसरो विरक्त होकर रहने लगे और उसी वर्ष उनका भी देहावसान हो गया। अमीर खुसरो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। लोगों से मेलजोल रखने के कारण वे जनसामान्य में अत्यधिक लोकप्रिय थे। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग उन्हें अपने बीच पाकर खुश हो उठते थे। भारतीय इतिहास में उनका व्यक्तित्व समकालीन लोगों के मध्य अतुलनीय एवं अद्वितीय था।